मैं भी तुम्हें जो जवाब दे रहा हूँ वो मेरी तरफ से बेस्ट जवाब है या नहीं है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई और इससे बेहतर जवाब छुपाए हुए हूँ? जो ऊंचे से ऊंचा, जो बेहतर से बेहतर कह सकता हूँ कह ही रहा हूँ। मैं किससे कंपटीशन कर रहा हूँ भाई? पर तुमने कहा कि अपना बेस्ट देने के लिए कंपटीशन ज़रूरी है। मैं अभी अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? और तुम भी अभी अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? किससे कंपटीशन चल रही है? चल रही है क्या किसी से? किसी से दोस्ती है तुम्हारी? वो कभी मुसीबत में पड़ा है? उसकी मदद करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपना बेस्ट दिया है या नहीं दिया है? किससे कंपटीशन कर रहे थे? किसी से प्रेम किया है? गले मिले हो और बहुत दबा के गले मिलते हो कि कंपटीशन में हूं? और मर ही गया वो तो, तुम इतने कॉम्पिटिटिव हो। तुमने कहा कोई और जितनी जोर से गले मिले उससे ज्यादा मैं मिलूंगा, ये देख। कंपटीशन तो सिर्फ डराती है, और डरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? मैं डरा हुआ हूं तो तुमसे जैसे बहुत बहुत ज्यादा होती है। अब काम ही ऐसा हो गया है बचपन से कि तुम जो भी करो दूसरों को ध्यान में रख के ही करो, तो फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पे तुम्हारे लिए असंभव हो जाता है कुछ भी अपने लिए कर पाना। तुम्हारे पास वो आंख ही नहीं बचती जो अलोन कुछ कर सके। तुम पागल हो जाओगे अगर तुमसे कहा जाए कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लिए है और तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना। तुम पागल हो जाओगे। तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे, कुछ तुमसे निकलेगा ही नहीं। तुम्हारा जैसे वो स्रोत ही बंद हो गया हो। बात समझ रहे हो ना? एक छोटे बच्चे को तुम एक चार्ट पेपर दे दो और उससे कहो कर कुछ भी, तो वो पेंसिल उल्टी पकड़ लेगा या चार्ट पेपर फाड़ देगा या कुछ भी करेगा, उसकी मर्जी है। उसको कोई ब्लॉक नहीं रहेगा। कभी किसी छोटे बच्चे को ब्लॉक्ड देखा है कि क्या करूं? वो जो भी कर रहा है कर रहा है। तुम ब्लॉक्ड हो जाओगे। तुम्हें एक चार्ट पेपर दे दिया जाए कि और कहा जाए कि बिल्कुल दिल से कुछ लिखो, तुम ब्लॉक्ड हो जाओगे। तुम कोई सुनी सुनाई बात तो उतार सकते हो, पर बिल्कुल नया ताज़ा तरीन अपना कुछ लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिल से रिश्ता टूट चुका है। हाँ, दिमाग से कह दिया जाए कुछ लिखने को तो तुम एक चार्ट पेपर, क्या तुम एक के बाद एक नॉवेल्स लिख डालोगे? तुमसे कह दिया जाए दिमाग में जो कुछ है वो लिखो तो तुम बहुत कुछ लिख डालोगे, पर तुमसे कहा जाए कुछ ऐसा लिखो जो बिल्कुल तुम्हारा है, तुम्हारे पास कुछ मिलेगा ही नहीं। यही कारण है कि जब मैं कहता हूँ संवाद शुरू होते समय कि अपने अपने सवाल लिख दो, तो कैसी उलझन आ जाती है, कुछ होता ही नहीं लिखने के लिए। अपने सवाल, सर बताइए, लिख दें ITM में क्या चल रहा है, वो सब लिख सकते हैं। बगल की गली में क्या चल रहा है वो भी लिख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है वो भी लिख सकते हैं। रशिया और क्रीमिया में क्या चल रहा है वो भी लिख सकते हैं। पर आप हमसे कह रहे हो कि लिखो कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, वो कैसे लिखें? दिल से तो हमारा कोई अब रिश्ता ही नहीं बचा, हम जानते ही नहीं वहाँ चल क्या रहा है। धीरे धीरे टूटता है, लगातार टूटता है। रियलाइजेशन लगातार ही आती है, पर यू टर्न तो एक बार होता है ना। तुम दिल से दूर चले जा रहे हो, वापस लौटने की यात्रा लंबी होगी, पर यू टर्न तो एक बार ही लेना है ना। या यू टर्न भी बार बार लोगे, और यू टर्न बार बार लेना तो क्या होगा? तो एक बिंदु आता है जब तुम जो भटक करके और दूर चले जा रहे थे दिल से,
समझ जाते हो कि अब यू टर्न ले लेना चाहिए। हाँ, यू टर्न लेने से यात्रा पूरी नहीं हो गई, यू टर्न लेने के बाद भी बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर निकल आए हो, लेकिन अब कुछ बात बनेगी। तो इतना तो हो ही सकता है कि किसी एक क्षण में तुम्हें ये समझ में आ जाए कि अब यू टर्न लेना है, ये तो हो ही सकता है। ज़रूरी बेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम महसूस तो उसे कर ही रहे हैं ना, उसके लक्षण और प्रमाण तो लगातार हमारे सामने हैं ही ना। ज़रूरी नहीं है कि महसूस किया जाए, पर महसूस हम कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि ज़रूरी है या नहीं, यहाँ पर सवाल ये है कि फैक्ट क्या है। वो खालीपन हमें लगातार अनुभव तो हो ही रहा है ना, वो ब्लैंक खालीपन हमें लगातार अनुभव हो रहा है। भाई आपको लगातार जो चाहिए होता है हर समय, आज हमने काफ़ी चर्चा करी ना उस पर, कभी कोई दोस्त चाहिए, कभी कोई यार चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। अलोननेस बर्दाश्त जो नहीं होती है वो उसी ब्लैंक का ही तो सबूत है कि उस ब्लैंक को भरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। दैट ब्लैंक essentially is hell. If you do not wake up, if you do not rightly fill it, then life is lost. And life will be lost in an attempt to fill it. You'll fill the blank with speak. किस किस चीज से उस ब्लैंक को भरने की कोशिश करोगे? Any attempt to fill yourself up is an attempt to fill that blank. So translate that question into... No, you said that we should fill it rightly or else it will be hell. So how would we know that whatever we're filling in it... Rightly, is right. If you fill it up rightly, there would be no more a need left to fill it up. That is the proof. That is the full stop.